नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अवनी ट्यूटोरियल में। दोस्तों, ये हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं व्यापम की जो आने वाली एग्ज़ाम्स हैं उनकी हिंदी प्रिपरेशन के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट की है, उसमें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिया, जिसके ऊपर बहुत ही आप देखेंगे कि कई बार दो या तीन क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार एक क्वेश्चन आता है। तो इसके पहले मैंने कुछ और वीडियोस अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं, जैसे सर्वनाम, विशेषण, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन, स्वर स्वर और लिंग वचन कारक। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, तो उन वीडियोस को आप प्ले लिस्ट में जा करके दे सकते हैं। मैंने वीडियोस को बहुत ही छोटे छोटे और बिल्कुल मेन पॉइंट्स डाले हैं, ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा बर्बाद ना हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक को बहुत जल्दी इफेक्टिव वे में हम कवर कर लें। और साथ साथ में मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट भी डाले हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो लास्ट में अच्छा लगे तो उसको लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखते हैं दोस्तों, पहला क्रिया होती क्या है। क्रिया का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कुछ काम कर रहे हैं, है ना, कोई भी ऐसा शब्द जो ये बताता है कि क्या काम हो रहा है, तो वो उस काम होने की जो बताता है वो क्या कहलाता है, क्रिया। ठीक है ना, काम होने का बोध जो कराता है वो कहलाती है क्रिया। अब अगर अपन बात कर लें कि क्रिया के प्रकार, तो क्रिया के प्रकार कर्म के अनुसार क्रिया के दो प्रकार हैं। ठीक है ना, कर्म के अनुसार क्रिया के दो प्रकार हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है ना, सकर्मक क्रिया की अगर बात करें, इसका मतलब क्या है कि क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़े। ठीक है ना, क्रिया के व्यापार का फल मतलब यहाँ पे एक कर्म जरूर होगा। ठीक है ना, वह पुस्तक पढ़ता है, गॉट माय पॉइंट, वह पुस्तक पढ़ता है। दो शब्द देखिए, वह पुस्तक पढ़ता है और मुकेश सोता है, तो वो क्या पढ़ता है, पुस्तक। ठीक है ना, पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे उसके पास में एक क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ेगा। ठीक है ना, अगर मैं वहीं से बोलूँ आपसे मुकेश सोता है, तो मुकेश सोने के, अगर मैं बोलूँ मुकेश बिस्तर पे सोता है और मुकेश सोता है, तो दोनों में अंतर है, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो सकर्मक क्रिया वो है इसके साथ में कर्म हो, अकर्मक क्रिया वो है इसमें कर्म नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अपन देखें रचना की दृष्टि से, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। पहला होता है सामान्य क्रिया, यानी जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग किया जाए वह सामान्य क्रिया कहलाती है, जैसे अनिल आया, मैंने पढ़ा इत्यादि। संयुक्त क्रिया मतलब एक ही साथ में दो या दो से अधिक धातुओं से मिलाकर बनने वाली संयुक्त, जैसे लिखना चाहता है, लिखना और चाहना दोनों क्रिया हैं। ठीक है ना, पढ़ सकता है, सकना और पढ़ना दोनों ही क्रियाएँ हैं, तो क्या कहलाएंगे, संयुक्त क्रिया। फिर नाम धातु क्रिया क्या होती है, संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से बने क्रिया पदों का नाम धातु क्रिया कहते हैं, जैसे हथियाना। ठीक है ना, हाथ एक संज्ञा है, उससे अपन ने बना दिया एक क्रिया हथियाना, बात एक बतियाना, ठीक है ना, लतियाना इत्यादि, ये सारी क्या कहलाते हैं, नाम धातु क्रिया। फिर एक आती है प्रेरणाथक क्रिया, तो जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा दे, जैसे मान लीजिए वह राम से पत्र पढ़वाता है, पढ़वाना, लिखवाना, करवाना, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, प्रेरणाथक क्रिया। फिर होती है पूर्वकालिक क्रिया, जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व ही समाप्त हो जाए उसे पूर्व क्रिया कहते हैं, समान बोला सीता खाना खाकर स्कूल जाएगी, जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व, मतलब स्कूल जाना यहाँ पे मुख्य क्रिया है और खाना एक और क्रिया है, दो क्रिया है यहाँ पे, मतलब स्कूल कब जाएगी, जब वो खाना खा लेगी, तो यहाँ पे खाना पहले, खाना खत्म हो चुका है उसके बाद स्कूल जा रही, तो कोई मुख्य क्रिया है उसके होने के पहले जो क्रिया खत्म होती है वो कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। तो दोस्तों यह क्रिया बस इतना ही था, पर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो अपन ये टॉपिक पढ़े हैं, ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट टॉपिक केवल ये है, इसके ऊपर पूछते हैं क्वेश्चन आपसे व्यापार में आज तक, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आए हैं कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दे देंगे, इसमें सकर्मक क्रिया कौन सी है, इसमें से अकर्मक क्रिया कौन सी है। तो दोस्तों आपने देखा है 2 से 3 मिनट के अंदर ये क्रिया हमने पढ़ लिया है। आप अगले वीडियो का इंतजार करें, अगले वीडियोस में मैं और भी जो भी हिंदी के टॉपिक हैं जल्दी जल्दी कवर करके फिर केवल क्वेश्चंस के ही वीडियो में डालूंगा, ताकि आप लोग को प्रैक्टिस मिले। दोस्तों चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।